दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्राकृतिक की एक खूबसूरत दुनिया में जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये तराई का क्षेत्र होने के कारण यहाँ का पूरा वातावरण हमेशा हरा भरा रहता है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। ये पेड़ पौधे भी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही खास मेहमान आए हैं बनारस से, डॉक्टर मेजर अंजलि रानी, और साथ में हैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी जो बनारस से पधारे हैं यहाँ पे। तो उन लोगों से हम पूछते हैं कि यहाँ के बारे में उनका कैसा अनुभव है। तो मैम आपसे हम पूछते हैं कि आपका अनुभव क्या है और कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के आपको? नमस्ते, मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा है। ये गांव एकदम हरा भरा है। आज से 50 साल पहले जैसे गांव होते थे एकदम वैसे ही अच्छा, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, क्या बात, आजकल देखने को नहीं मिलती। वो यहाँ खुलेआम है, प्रकृति गोद में हम लोग खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। जी तो हम लोग धन्यवाद करते हैं मिठाई लाल के इस गांव का, जिसने हम लोगों को इसको एंजॉय किया। आओ तुम लोग भी आ जाओ, वो इसकी दोनों बहनें हैं। हाँ हाँ, ये साथ में कुछ और खास मेहमान है, ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। जी वॉक किया और एकदम अच्छे से। आप लोग अपना कुछ अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है? अच्छा, हम लोग के साथ नहीं, हम लोग थोड़ा सा। सर आप कुछ बताइए, अब सर से मुखातिब होते हैं, पूछते हैं आप कुछ बताएं यहाँ के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है और तस्वीरें खींचने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है जी। प्रकृति एकदम अपने पूरे तरीके से प्राकृतिक रूप में है यहाँ पे जी, और बार बार आने की इच्छा करती है। और यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि आप एकदम अपने आप से खुद से मिल रहे हो जी। तो आशा करता हूँ कि ये गाँव हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे और यहाँ के लोग खुश रहे के साथ अपने जीवन में हमेशा खूब खुश रहें जी। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतनी अच्छी बात कही। और सचमुच में आप लोगों का जो स्नेह है वो पाकर के पेड़ पौधों का भी जो हौसला है वो बहुत बढ़ गया है और वो भी बहुत खुश हो गए हैं। ऐसे मेहमान बहुत कम आते हैं जो मतलब बस प्रकृति को निहारने आए यहाँ पे। बहुत सारे लोग तो बस अपने फ़ायदों के लिए ही आते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पेड़ को लकड़ियाँ काटने ये काटने। तो आज का दिन बहुत ही सुखद है और हम लोग अभी और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ में हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।